राम राम जी। सुबह के 6:15 का समय हुआ है और अभी मैं ट्रेडिंग तैयार हूँ जाने के लिए। आज हम हैं इम्फाल में और आज हम जाएंगे सीचर। सीचर में हमें 5 बनाना है, वो 5 बजे तक बनेगा। कंटिन्यू राइड करेंगे, जब 8 से 9 घंटे लगेंगे तो जल्दी से पहुँचते, नहीं तो पौन लेट हो जाएंगे, तो कल का भी पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद प्लान करते हैं, बार बारिश आई हुई है तो आवाज़ आएंगे नहीं, व्यू दिखा देंगे आपको। तो चलो चलते डायरेक्ट मिलते हैं बाइक पे। बाय। राम राम जी। सुबह के 11 बजे हैं और अभी मैं सिलचर से लगभग 100 किलोमीटर पहले हूँ। पिछले लगभग 150 किलोमीटर मैं बारिश में चल के आया हूँ, तो मैंने कैमरे पे बस थोड़ा थोड़ा वीडियो बनाया था, आवाज़ कुछ नहीं आ रही थी। अभी यहाँ पे बारिश बंद हो गई है और जो मैं रोड पे आ रहा था ना, वो गूगल में कंटेक्ट नहीं दिख रहा था। गूगल के हिसाब से मैं पहाड़ों में चल रहा था, रास्ता कहीं और से दिखा रहा था। मतलब कैमरा इसलिए भी यूज़ नहीं किया, बिल्कुल पेट्रोल भी नहीं था। मेन हाईवे आ गया तो अब यहाँ पे थोड़ी बहुत दूर आगे जाके पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा, बाइक भी रिजर्व में लगने वाली। वैसे मैंने 3 लीटर इम्फाल से लिया था क्योंकि इम्फाल में भी सारे पेट्रोल पंप बंद थे, तो 120 रुपये लीटर लिया था। वैसे 94 रुपये लीटर था, 30 रुपये लीटर पर महंगा पड़ा मुझे। तो अभी यहाँ 130 रुपये दे रहे हैं, 10 रुपये और ज़्यादा। तो मैं आगे देख रहा हूँ, अभी 50-60 किलोमीटर मेरी बाइक चल जाएगी, तो आगे देखते हैं। गूगल महाराज के हिसाब से मैं 3 बजे तक पहुँचूंगा और 5 बजे तक वहाँ का मिजोरम हाउस है वो खुला रहेगा, तो जल्दी से बिना वेट के डायरेक्ट वहीं पे जाके मिलेंगे। अभी जैसे एक दिन अभी यहाँ पे रुका हूँ, अब डायरेक्ट वहीं पे रुकेंगे, परमिट बनाने के बाद रुकते चलेंगे, उससे पहले डायरेक्ट चलेंगे। तो शाम को देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो चलो मिलते हैं डायरेक्ट बाइक पे। ये है नुंगबा, पूरी सिटी भाई साहब एक किस्म से, मान लो बस पेट्रोल मिल जाए एक नंबर की हो जाएगी फिर यार। ना है भाई, फिर बारिश का मौसम हो गया भाई साहब, और अभी भी 135 किलोमीटर और 4 घंटे का रास्ता है। आइडिया भी नहीं कितना पानी है, कितना क्या है। ओ भाई ओ भाई, गलगी गलगी गलगी, टूटे हुए रोड है भाई, गति बड़े गंदे रोड हैं और ऊपर से मौसम खराब, ऊपर से अकेला। चैलेंजिंग डे भाई आज, चैलेंजिंग। पूरी बाइक फिसल रही भाई, सारे जूते गंदे हो गए, मतलब ना तो ब्रेक लग रहे हैं, मतलब काम ही नहीं कर रही। रेस दे लो, अगले मिरर लो, पिछले मार लो, कोई भी मार लो, अपने आप जा रही थी। पानी ठीक है यार, 3 बार बचाऊ गिरते गिरते, कंट्रोल ही नहीं हो रही। ओ भाई फिर आ गया ऐसा ही, थोड़ी बहुत लीक में चल रही है तो चल रही है, नहीं तो थोड़ा सा टायर अगला पिछला साइड से होते ही पूरी घूम जाती है। ये पुल क्रॉस करना पड़ेगा भाई साहब आप। ओ भाई पुल देखो, पुल 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 2 किलोमीटर तक ऐसा रास्ता बता रहे हैं, देखो पुल से गजब भी हो भाई, लेकिन गजब हमारा बन गया। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, पूरा ब्रिज हिल रहा है। एक टाइम पे एक ट्रक लौट भाई साहब, अगर दूसरा आ गया ना तो साला हो जाएगा, खतरनाक एक्सपीरियंस। फिर ऐसा ही काम होते, फिर वही रोड। चला ले भाई चला ले, क्यों लेट करवाओ मैंने। देखो कितना बढ़िया रोड है, कितना मस्त है, चिकना मलाई वर्गा। हे भगवान, ये अपनी ट्रिप में देखना बाकी रह गया था, लगता है अगला जो टायर ना फिर भर गया। इतनी दूर आके मिला यार पेट्रोल पंप, इतनी दूर आके मिला है, इम्फाल में भी नहीं मिला। इम्फाल में बंद था सारा, क्यों बंद था? होली के लिए होगा। तो ये बंद नहीं है? ये बंद नहीं, मतलब होली नहीं मनाता यार, उन्होंने तो हमारी होली मनवा दी। रास्ते में 120-120 रुपये लीटर, 130-130 रुपये लीटर। बस मुझे पता मैं कैसे आया, अभी रिजरों में लगने वाली है, लग रही है, किसी भी समय बंद हो सकती थी। आप डाल दो 500 रुपये का। ये बॉर्डर है? बॉर्डर नहीं है, बाकी है। कितनी दूर है?
अभी यहाँ से 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर छण में रुपये आज हाँ कल चुरन में था शायद कहाँ पे इम्फाल पे हाँ इम्फाल और यहाँ का रेट थोड़ा अलग है क्यों इम्फाल से आ रहे हैं ना तेल अच्छा। तब तो ये रास्ता का जो टैक्स टोल टैक्स लगभग लगभग 2 घंटे लग गए भाई साहब यहाँ पर पास बनवाने में। कभी जीरोक्स कॉपी करा के लाओ, कभी कोरोना रिपोर्ट चेक करवा के लाओ, कभी ये फॉर्म लाओ, कभी वो लाओ, कभी ये 1.5 से 2 घंटा लग गया। पर चलो शुक्र है भगवान का बन गया पास, नहीं तो वहाँ पे तो बोल दिया था कि वहाँ पे बनेगा ही नहीं। चलो देखते हैं कहाँ तक अपना सफ़र चलेगा। ठीक है जी, थैंक यू, ओके जी, बाय। यहाँ पे रुके हुए थे भाई साहब हम कल। एक्चुअली हुआ क्या था, कल रात को ना पास पहले मैं सिलचर गया, 4:15 थी मैं पहुंच गया था, लेकिन उन्होंने बनाने से मना कर दिया, बोला अंदर नहीं जाने। मैडम ने मना कर रखा है कि कोरोना के कारण आप अंदर नहीं आ सकते, ये है वो है, और नंबर दे रहे थे वे पुलिस वाले वहाँ का कि इसके थ्रू बात कर लो आप। वे मांग रहे थे भाई साहब 500 रुपये, तो मगर इतने तो रुपये नहीं लगते, 150 रुपये लगते हैं, 150 भी लगते, 120 लगते हैं, लेकिन चलो 150 मान लो, लेकिन बोला 500 से नीचे नहीं बनेगा, और 4 बजे तक बन गया तो बन गया 15 मिनट में, नहीं तो फिर और ज़्यादा रुपए लगेंगे। फिर मैंने एक भाई से बात की, वो बोला गेट पे ही बन सकता है, आप सीधे गेट पे चले जाओ, मेरा 150 रुपये बन गया था। फिर मैं गेट पे आया तो उन्होंने ये बोला ये करो वो करो, 2 घंटे वेस्ट हो गए भाई साहब वहाँ पे, और 300 रुपये लिए, तो मुझे 7 बज गए थे। अगर मैं डायरेक्ट एजवाल जाता ना तो मुझे लगभग ज़्यादा नहीं ना तो 12 बज जाते, अगर कंटिन्यू चलता जब 11:30 हो जाते तो 12 मान के चलो, बीच में 5-10 मिनट तो रोकनी पड़ती, तो 12 बजने में मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, इसलिए मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा। तो मैंने यहाँ पे एक बंदे से पूछी थी रस्ते में कि सर यहाँ पे रुकने के लिए कोई होटल मिलेगा, बोला होटल तो सभी बंद हो गए, और कुछ मिल जाए या फिर कैंपिंग के लिए कोई लोकेशन मिल जाए, मेरे पास टेंट है। तो यहाँ पर एक इरीगेशन डिपार्टमेंट था, उनकी जानकार का ही था, मतलब उसके ताऊ लगते थे वो, तो उनके पास लेके गया, फिर उन्होंने वहाँ पे रुकने दिया। तो भी यहाँ से निकल रहे हैं भाई साहब, सुबह के 6:10 का समय हुआ है, मेरा निकलने का 5 बजे का प्लान था, मैं 5 बजे उठ के रेडी हो गया था, लेकिन मैंने उनको उठाया नहीं और उनके बिना मैंने गेट खोला नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया 1.5 घंटे का, नहीं तो मैं 5 बजे निकल सकता था। चलो कोई नहीं, अब पहुँचते हैं एजवाल।